नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मीम जिसके बारे में आप लोगों को बतानी बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात है और कोई नहीं बल्कि ईशा और नन अदर देन एलिस की। बिग बॉस का एक हफ्ता गुजर चुका है दोस्तों, और इस हफ्ते के अंदर बहुत सी चीजें हुई। सोशल मीडिया पे एलिस और नन अदर देन ईशा को बिग बॉस की ड्रामा क्वीन या फिर कह सकते हैं कि मीन गर्ल्स कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से वो चुगलियां करती हैं, जिस तरीके से वो बातें करती हैं, उनको लेकर तमाम तरीके के अलग अलग मीम्स चल रहे हैं, प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे में एक मीम बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, वो है कि भूल भुलैया 3 की दो मंजुलिका, जो कहती है आमी मंजुलिका, एक कहती है आमी मंजुलिका, यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। तो सेम, जो अगर आपने ट्रेलर देखा है भूल भुलैया का, तो उसमें लास्ट में रूह बाबा एक हवेली में कैद से हो जाते हैं और वहां पे दोनों मंजुलिकाएं बैठी हुई हैं, और वो बोलती है तो यही सोच रहा होगा ना कि असली मंजुलिका कौन है, हम हैं असली मंजुलिका, ऐसे करके वो बात बोलती हैं। तो वो मीम बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, और उसमें आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों की फोटोज क्रॉप करके बहुत वायरल हो रही, जो आप थंबनेल में देख सकते हैं। सो बेसिकली बिग बॉस के घर में इनको कहा जा रहा है कि ये यहाँ की मंजुलिका है सोशल मीडिया साइट्स पे। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों अपनी तरफ से बेचारी कंटेंट देने की तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका कंटेंट ना सही, बल्कि वो कंटेंट जो है चुगली कंटेंट ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से बिग बॉस ने भी उनको जो है सपोर्ट करने की सोची, और कलर्स का फेस रहते हुए ही इस तरीके से उनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं लोग। अब ईशा की जहां तक हम बात करें दोस्तों, तो ईशा के मुद्दे स्ट्रांग रहते हैं, एलिस के भी स्ट्रांग रहते हैं, तो आगे अगर ये दोनों साथ खेलते हैं, तो अगेन साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, बट अगर अलग अलग खेलेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लस ये लोग चाहत के बारे में भी बोलते हैं, बट अगेन चाहत के बारे में तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि चाहत का जो कंटेंट है वो सिर्फ चाहत का कंटेंट है, उसके अलावा किसी का कंटेंट नहीं है, यानी कि वो खुद से अपना कंटेंट बना रही है, खुद से चीजें कर रही है। और जहां तक इनके कंटेंट की बात की जाए दोस्तों, तो इनका कंटेंट जो है और लोगों की चुगलियों पर कंटेंट बेस्ड है, ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा, क्या सोशल मीडिया के पॉइंट्स और आपके पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं? कमेंट करके ईशा और एलिस के बारे में बात बताइएगा, और बने रहें चैनल।